हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग की सिखा में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सभी का फेवरेट रेसिपी दम आलू। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करेंगे। हमने आलू को उबाल करके कट कर लिया है, मटर, जीरा, प्याज और लहसुन और सारी चीज़ों को हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल करके अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे एक दालचीनी। दालचीनी डालने के बाद हींग, हींग डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद जीरा हमारा लाल हो जाए थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन को। लहसुन डालने के बाद हम डालेंगे मिर्च को। मिर्च डालने के बाद अदरक डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा प्याज। सारी चीज़ों को डाल करके अच्छे से हल्का ब्राउन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अच्छे से हल्का ब्राउन कर लेना है। फिर उसके बाद हम आलू को ऐड करेंगे इसमें, उबला आलू। और फिर उसके बाद हम एक कटोरी तक मटर डालेंगे और इस तरीके से डाल करके अच्छे से इसे चला लेंगे। और फिर चलाने के बाद आप देख सकते हैं इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए भुनेंगे हम। और इस तरीके से आपको अच्छे से चला लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक को डालेंगे। तो इस तरीके से आप स्वादानुसार नमक डाल देंगे और नमक डाल करके भी हम अच्छे से इसे चला लेंगे और इस तरीके से भूनते हुए अच्छे से चला लेंगे। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए इसे ढक करके हम छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से आलू भून जाए, आलू मटर। तो फिर से इसे हम अच्छे से भून लेंगे और इस तरीके से भूनते हुए अच्छे से इसे पका लेंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से भुन गया है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर पानी को। तो इसमें आपको अंदाज करके पानी ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हम पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसे हम चला लेंगे अच्छे से इस तरीके से। आप देख सकते हैं आपको अच्छे से चला लेना है। और फिर चलाने के बाद हम इसे ढक देंगे प्लेट से। तो इस तरीके से अच्छे से आपको मैश करते हुए आलू को चला लेना है और पानी भी अच्छे से चला लेना है। फिर उसके बाद हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए इस तरीके से ढक करके छोड़ देंगे। और बीच बीच में खोल करके आपको चेक करना है। तो ये हमारा पानी अच्छे से उबलने लगा है दम आलू का। तो इस तरीके से अच्छे से पका लेंगे तसे को। और फिर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अच्छे से इसे चलाना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो इस तरीके से इसे हम अभी और थोड़ा सा पका लेंगे इस तरीके से ढक करके। तो ये हमारा आप देख सकते हैं अच्छे से पानी मतलब कि रसा एकदम गाढ़ा होने लगा। जब गाढ़ा हो जाए तभी आपको दम आलू का मसाला इसमें ऐड करना है। तो ये हमारा गाढ़ा हो चुका है। फिर उसके बाद हम इसमें दम आलू मसाला डालेंगे और दम आलू मसाला डाल करके अच्छे से फिर इसे चला लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको चला लेना है। और ये रेसिपी सभी का फेवरेट है और सभी को दम आलू बहुत ही पसंद है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा दम आलू बन करके तैयार हुआ है आप। और फिर उसके बाद हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे इस तरीके से। और धनिया डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा सभी का फेवरेट दम आलू रेसिपी बन करके तैयार है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।